वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था, साथ साथ कूलम्स लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ डिफाइन यूनिट पोल, ये सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। आज हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। तो इससे पहले कि मैं आगे की रामायण रचूं, आप पहले मुझे ये बताओ, ये जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ बताया था आपको, पोल स्ट्रेंथ को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर। अम्मा, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, अम्मा, एम, याद रहेगा आपको, एम्पियर मीटर, क्लियर। चलिए तो फिर मैं आगे की बात कर रहा हूं। अगला मुझसे कह रहा है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पहले कि मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्ड का मतलब समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बोले भैया यहां पर कोई आयरन पार्टिकल रखा है और ये भी आयरन पार्टिकल रखा है, तो मैग्नेट इसे अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों को अट्रैक्ट करेगा, किसको ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा, पास वाले को, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम है। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है तीव्रता, तेज, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की पावर ज्यादा है, वहां पर कम है, राइट। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ में आया। जैसे ये मैग्नेट है, कल आप पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में बताया था मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग अलग होगी या सेम होगी, अलग अलग होगी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होती है। किस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होती है, किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये सब बातें अब हमें पता करनी है। तैयार है हम लोग, तो चलिए गौर से देखिएगा सब लोग ऑन द बोर्ड। इससे पहले कि मैं आपको इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बताऊं, आप लोग सुने ध्यान से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लेटर बी से डिनोट करते हैं। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, बी से, और इसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। आप लोगों को याद है आपने चैप्टर नंबर 1 में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ई बराबर फेकू, याद आ रहा है, क्लियर। एफ फोर्स होता था तो यहाँ भी फोर्स आता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्यू चार्ज होता था, चार्ज की बजाय यहाँ पोल आते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ आ गई। सीन क्लियर है सभी को, मतलब सेम फॉर्मूला है, जैसा वहां था वैसा ही यहाँ है। तो एफ क्योंकि यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट हम सब लोग जानते हैं न्यूटन, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है, और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट अभी 2 मिनट पहले आपने बोला था अम्मा, तो एम्पियर मीटर। सीन क्लियर है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर। तो किसी ने अगर मुझसे पूछा कि इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो हम बोलेंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या बोलेंगे, और ये यूनिट आपको पहले से भी याद है, न्यूटन की अम्मा, ये सर नो, अच्छी बात है। किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए अक्सर हम चीजों को क्या मान लिया करते हैं, अगर मैं m बराबर 1 मान लूं तो यहां b बराबर क्या हो जाएगा, f, यस और नो, क्लियर है। तो चलिए भूल जाओ आप वापस इसे, हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं, उसके बाद इस डेफिनेशन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती थी, तो वहां पर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते थे, राइट। ऐसे यहां पर अगर हमें किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है, तो वहां पर हम लोग हमेशा एक यूनिट नॉर्थ पोल मानते हैं। क्या मानते हैं, सब बाढ़ में जान दो, सब भूल जाओ, इतना पढ़ाया आप, ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ पैदा होती है किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। मैग्नेट में भी होते हैं मैग्नेटिक पोल्स, जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई एक मैग्नेटिक पोल बना दिया, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये मैंने कोई एक पोल बना दिया, इस पोल के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। बोलो भैया एग्री करते हो आप लोग इस बात से, इस पोल के चारों तरफ क्या पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। किसी पट्टे ने मुझसे पूछा कि भैया ये एक पॉइंट है, क्योंकि आपने बोला था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है, किसी ने मुझसे पूछा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो भैया किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो वहां पर आप लोग यूनिट नॉर्थ पोल मान लेते हैं। यूनिट का मतलब 1, यानी पोल स्ट्रेंथ 1 का हमने यहां पर क्या मान लिया, नॉर्थ पोल मान लिया। क्या मान लिया,
यानी इसको बोलते हैं यूनिट नॉर्थ पोल, क्लियर। यानी हमने यहां पर एक ऐसा नॉर्थ पोल अज्यूम किया है जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 है। शुद्ध देसी में बात करूं तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी होती है तो वहां पर हम लोग हमेशा एक यूनिट नॉर्थ पोल अज्यूम करते हैं। जैसे चैप्टर 1 में यूनिट पॉजिटिव चार्ज किया था, यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल अज्यूम करते हैं। अब आप बताओ, ये भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी आपने नॉर्थ पोल माना है, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। यानी इस पर फोर्स इधर लगेगा तभी तो इधर जाएगा। इस यूनिट नॉर्थ पोल पर जिस तरफ फोर्स लग रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कहानी समझ में आ रही है? मैं 2 से 3 बार और बताऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। जैसे ये नॉर्थ पोल है, किसी ने पूछा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो कुछ नहीं करना, यूनिट नॉर्थ पोल अज्यूम करना है। नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। किसी ने बोला ये साउथ पोल है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो फिर वही जिस पॉइंट पर अट्रैक्शन निकालनी होती है नॉर्थ मान लेते हैं, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 2-4 बटन और खोल लो, हैं? क्लियर है? बात समझ में आ रही है तक सभी को? ये साउथ पोल है, किसी ने पूछा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर अट्रैक्शन निकालनी होती है नॉर्थ पोल अज्यूम कर लेते हैं, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, तो ये ऐसे जाएगा। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है पीयूष? क्लियर है? यहां तक कर पाएंगे हम लोग? तो किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आई। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आप वहां पर क्या मान रहे थे, यूनिट नॉर्थ पोल, क्या मान रहे थे, यूनिट नॉर्थ पोल मान रहे थे, और यूनिट नॉर्थ पोल पर जिस तरफ फोर्स लगता था वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी। सही बोल रहा हूं? अच्छा बताओ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है या अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ती है? पड़ती है, अच्छी बात है। ये ठीक उसी प्रकार है यार। मान के चलो आपको किसी भी पॉइंट पर, मान के चलो किसी जगह हवा बह रही है, हवा बह रही है, मैंने 2 अलग अलग पॉइंट पर एक कपड़े का टुकड़ा लटकाया, ऐसे किसी एक पॉइंट पर कपड़े का टुकड़ा लटकाया मैंने यहाँ पर, तो हवा बहेगी तो वो मूव करेगा। एक दूसरे पॉइंट पे भी मैंने रखा, वहां पर भी वो मूव कर रहा है, लेकिन एक जगह कम मूव कर रहा है, एक जगह ज्यादा मूव कर रहा है। इससे क्या पता चला कि अलग अलग पॉइंट पर, हाँ, एयर फ्लो की स्पीड अलग अलग है। जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? इसी तो वहां पर आपने एयर फ्लो की इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए कपड़े का यूज किया। इन द सेम वे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग काय का यूज कर रहे हैं, यूनिट नॉर्थ पोल का। क्लियर है? यूनिट नॉर्थ पोल पे फोर्स कम लगेगा तो वहां इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कम है, यूनिट नॉर्थ पोल पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो वहां इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। कहानी समझ में आ रही? मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। गॉट इट एवरीवन? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, इन शॉर्ट बात करता हूँ। आपने मुझसे अभी अभी बोला है कि सर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होती है। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर निकालना चाहता हूँ, तो पी को यहाँ मैं क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, मुझे मालूम है हर पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग अलग होती है ना, तो बी क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैं इसे बोलूंगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या के बराबर है, फोर्स के बराबर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। फोर्स किस पे लग रहा है, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट नॉर्थ पोल पर। फोर्स किस पे लग रहा है, यूनिट नॉर्थ पोल। कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरी है, तो मैग्नेटिक फील्ड में उस पॉइंट पर रखा है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, या जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो गौर से सुनिएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। इधर देखो फिर से, बी क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल विच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट।
वही तो यहाँ लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल विच इज प्लेस एट दैट पॉइंट। फिर से देखो इसके बारे में बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पॉइंट पर रखे यूनिट नॉर्थ पोल पर लगता है। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पॉइंट पर रखे यूनिट नॉर्थ पोल पर लगता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल विच इज प्लेस एट दैट पॉइंट। सीन क्लियर है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को लेटर बी से डिनोट करते हैं, ये आपने इसकी डायरेक्शन निकाली है, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने निकाली है इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन निकाली है। गॉट इट एवरीवन, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड, पढ़ लो इतना फिर आगे ही बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन सभी को क्लियर है। अब मुझसे कह रहा है, मेरे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पोल। एक अकेले सिंगल पोल के कारण उसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करो। तो भैया आप एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आपने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, ये कौन सा वाला पोल का पोल स्ट्रेंथ लिया है आपने, ये वाला, इसी एम की जगह तो आपने वन रखा था। बोलो भैया तो यहां पर कौन से पोल की पोल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, इस फॉर्मूले को अगर लगाता हूं तो पी पॉइंट पे जो रखा है उसी पे ही तो फोर्स लग रहा है। बोलो भैया, जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है, बढ़ू आगे। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो उसका जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ साइड में क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इससे पहले कि अगला क्वेश्चन समझाऊँ कुछ एक बातें आपसे जानना भी चाहता हूँ। ये कूलम्स लॉ पढ़ा था आपने इस चैप्टर में, फॉर्मूला क्या है कूलम्स लॉ का, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, पता है आपको, अच्छी बात है। अब पता है अब आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जैसे मैंने अभी ये पोल माना, इस पोल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, अब वो कह रहा है एक सिंगल पोल है तो ये सिंगल पोल मैंने मान लिया, जैसे आपने नॉर्थ माना है मैंने यहाँ एक स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ का पोल मान लिया, ये कोई भी पोल हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है साउथ भी हो सकता है, क्लियर। तो वो कह रहा है सिंगल पोल, पोल के कारण चारों तरफ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी, मैंने भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी। अब वो कह रहा है सिंगल पोल के कारण इसके पास कोई पॉइंट है उस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आर है, क्लियर। ये उसका क्वेश्चन है, ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पोल। एक सिंगल पोल के कारण उसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैंने मान लिया इस पॉइंट पी का सिंगल पोल से जो डिस्टेंस है वो आर है, ये उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, अब मैंने कहानी क्लियर है। तो यही सीन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ बताओ आप, सिंगल पोल स्ट्रेंथ एम। बोले भैया, हियर आई एम कंसिडरिंग अ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, वी वॉन्ट टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द पोल स्मॉल एम। अब सुना है, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहां पर हम लोग यूनिट पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल मानते हैं। बोले भैया, यस और नो, तो फिर आप लोग मुझे बताओ, अब आप बताओ जो भी करना है आपने ही करना है, मैं तो सब कुछ कर चुका हूं। आप बताओ इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है मैंने बाय द डेफिनेशन, क्या फॉर्मूला है। बोले भैया, बी इज इक्वल टू, जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है, बताओ ये वाला एम कौन सा वाला है, यहां तो दो दो एम है, यूनिट पोल स्ट्रेंथ वाला है, तो बी इज इक्वल टू
ऐसे लिखूं एफ अपॉन वन, एम की वैल्यू वन है यहाँ। अच्छा, मैंने कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला है कुलाम्स लॉ का, अप्लाई कर रहा हूं एफ की जगह, देखो एम वन की जगह यहाँ स्मॉल एम हो गया, एम टू की जगह यहाँ पर वन हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर हो गया, तो एफ की जगह क्या लिख दूं, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, एम वन की जगह एम, एम टू की जगह वन अपॉन आर स्क्वायर। अब ये अपॉन में वन लिखूं है, कौन तो लिख देता हूं, तो बी बराबर आपका आ गया म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्लियर। अगर कोई पूछे ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पोल, क्लियर, तो फॉर्मूला है म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन वेरियस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। पहले आप बताओ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, क्यों बोल रहे हो वेक्टर, क्योंकि बार बार डायरेक्शन निकाल रहे हो, इट मींस वेक्टर क्वांटिटी, अभी बताया था। अब वो मुझसे इसकी यूनिट पूछ रहा है, क्योंकि चैप्टर फोर में यूनिट ऑलरेडी इस्तेमाल हो गई थी तो आपको याद भी होंगी, पर मैंने वहां बोला भी था चैप्टर फाइव में ये यूनिट्स की तरह एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, वही क्वेश्चन है ये, गौर से देखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होते हैं, एक होता है एसआई सिस्टम में और एक होता है सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में जो यूनिट है दैट इज टेस्ला, जिसको आप तसला भी बोल देते हो, है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग वेबर को शॉर्ट में डब्ल्यू भी लिख देते हैं। तीसरा होता है न्यूटन की अम्मा, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर है, बोलो भैया, यस और नो। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है दैट इज गॉस या फिर ऑरस्टेड, याद ही करने पड़ेंगे आपको। बाकी का ये मैं आपको समझा चुका हूं कैसे आया, ये कैसे आया ये चैप्टर सिक्स में बताऊंगा, क्लियर, जब मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक टेस्ला में होते हैं 10^4 गॉस। आप इसे 10^4 गॉस भी लिख सकते हैं, या गॉस की जगह चाहे तो ऑरस्टेड भी लिख सकते हैं, यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 ऑरस्टेड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को, किसी ने पूछ लिया कैसी क्वांटिटी है तो कैसी क्वांटिटी है, देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ रहा है आपसे, इधर देखें खड़ा या पीछे, डायमेंशन फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, तो यूनिट देगी थी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताऊं MLT -2, एम्पियर का ए, मीटर लेंथ होती है तो एल, एल से एल कट गया, MT -2, ए पे पावर कुछ नहीं है तो वन, ऊपर जाएगा -1, A -1, कौन आ गया ये डायमेंशन फॉर्मूला। सीन क्लियर है सभी को, देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जय हिंद।